दंतेवाड़ा नक्सली हमले में शहीद हुए बड़हलगंज के लाल का शव गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ उनके गांव पहुंचा। जवान शहीद का अंतिम दर्शन पाने के लिए पूरे क्षेत्र की जनता नम आंखों से अपने लाल के इंतजार में नजरें बिछाए बैठी रही। जैसे ही जवान का शव उनके गांव पहुंचा, पूरा गांव भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता, सांसद कमलेश पासवान सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर जवान के शव को कंधा दिया। गौरतलब है कि मंगलवार को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा क्षेत्र में श्यामगिरी के पास नक्सलियों ने भाजपा विधायक भीमा मंडावी के वाहन को IED विस्फोट से उड़ा दिया था। इस घटना में बड़हलगंज का जवान दंतेश्वर मौर भी शहीद हो गया। सूचना मिलते ही उनके गांव बड़हलगंज के सिधवापार में स्थित उनके आवास पर कोहराम मच गया। शहीद जवान की पत्नी मीनाक्षी मौर्य बड़हलगंज के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर तैनात हैं। उनका 7 वर्षीय इकलौता पुत्र आगरा मौर है। शहीद जवान दंतेश्वर मौर ने 2006-07 में छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात हुए। वे कमांडो की ट्रेनिंग भी लिए थे। वे विधायक भीमा मंडावी की गाड़ी के साथ चल रहे थे। बताया जाता है कि गाड़ी दंतेश्वर ही चला रहे थे। इस बीच नक्सलियों ने वाहन को विस्फोट से उड़ा दिया, जिससे मौके पर भी उनकी मौत हो गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बांस गाँव के सांसद कमलेश पासवान व जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने बताया। उनका परिवार भारत माता का परिवार, शहीद परिवारों में जो भी घटनाएं होती हैं उसको वरीयता क्रम पर रख के सरकारें मदद करती हैं, और जो भी मांग है हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से बता दिया है, मुझे लगता है पूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा। देखिए, ये जो शहीद के लिए नियमावली बनी हुई है शासन लेवल पे, खासतौर पे मौर्या जी गोरखपुर के रहने वाले हैं, थोड़ीराम का इनका पैतृक मकान है। वैसे इनके परिवार तो अभी बड़हलगंज में रहते हैं। इनका जो पत्नी है जूनियर स्कूल में टीचर है, इनका एक लड़का है, छोटे से लड़का 8 साल 9 साल का है, और उनका माँ है बीजी बेच, दो भाई लोग हैं। ये परिवार है, गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं। वो दुर्भाग्य वजह 2 दिन पहले की घटना में जो ब्लास्ट हुआ, नक्सली ब्लास्ट में शहीद हुए, उनका मॉर्टल रिमेनिंग आज तो आया है, मिट्टी आया है, तो राज्य स्तर से जो कितने सम्मान देना है शहीद, उसी के हिसाब से हम लोग उनका अंतिम संस्कार किया जाएंगे। उसके अलावा जो इन लोगों को जो भी सहयोग चाहिए, वैसे तो सरकार के जीवों के हिसाब से उनका 25 लाख रुपया नगद धनराशि मिलेगा, और घर पे परिवार को किसी का पक्का नौकरी मिलेगा। उसी के अलावा जो यहाँ जो इनके याद रखने के लिए इसी गांव में जो नामकरण करने चाह रहे थे उसके विद्यालय का और स्ट्रीट का, वो सारे चीज़ विचार करते हुए हम लोग ज़रूर जल्दी करा देंगे, ये हम लोग का कर्तव्य है। उसके अलावा जो जनपद स्तर पर, जो जिला प्रशासन स्तर पर हम लोग जो मॉरली इस परिवार का कितने सपोर्ट कर सकते हैं उतने सपोर्ट हम देंगे। उसके अलावा जो राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का अन्य योजना में जो भी लाभ इस परिवार को मिल सकते हैं उसी का व्यवस्था कराएंगे। सर, उनके परिवार की तरफ से किसी प्रकार का कोई मांग आया है? इन लोग वही है, एक 14-15 सूत्रीय मांग रखे थे, उस पर 2-3 चीज़ ऐसे ही, पेट्रोल पंप चाहते हैं, फिर यहाँ का जो रोड का नामांकन चाह रहे थे, फिर विद्यालय का नामांकन चाह रहे थे, और यहाँ मूर्ति रखने के लिए कह रहे थे, फिर नगद धनराशि चाह रहे थे, फिर किसी का नौकरी चाह रहे थे। इस पर तो अनेक जो कितने मांग है वो पहले ही अच्छा देते हैं उस योजना में, उस पर हम कवर करेंगे। बाकी व्यक्तिगत रूप से इन लोगों को और सहयोग चाहिए तो उसको भी हम लोग करा करके उन लोगों परिवार का पूरा हम लोग, यदि तो भले तो जीवन को तो वापस नहीं ले सकते, बट आर्थिक नुकसान कितने हुआ है उसका भरपाई तो ज़रूर करेंगे।